चीज है। तो बाकी देखो मैं आपको बताऊँ, आपको मेन पॉइंट पे आना चाहूंगा, आपके जो आपकी फोर सीसी किंग हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप फोर सीसी कैसे करते हो, कि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, क्योंकि अब आपको पता है फॉरएवर में मैंडेटरी है फोर सीसी करना, क्योंकि जब तक आप फोर सीसी करोगे नहीं तब तक आपका पर्सनल बोनस नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप फोर सीसी कैसे करते हो। मेरे जितने व्यूअर्स है बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है कि फोर सीसी कैसे करना है कैसे करना है, तो आपसे जानना चाहूंगा आप फोर सीसी कैसे करते हो हर महीने। देखिए, फोर सीसी का क्या है कि फोर सीसी करना मतलब मैंडेटरी है, तो अगर आपको ग्रो करना है फॉरएवर में तो फोर सीसी इसीलिए बनाया गया है कि आप कंसिस्टेंट रहो बिजनेस में। तो बस आपको यही करना है कि जो एक तो अपने घर में है ना, जो भी प्रोडक्ट है मतलब जो किसी और कंपनी के हैं जो हम यूज करते हैं और वो सेम चीज फॉरएवर का भी आता है, तो वो सबसे पहले आप उसको रिप्लेस कर दो फॉरएवर के प्रोडक्ट से। जैसे कि शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, और इसका हनी हो गया, और न्यूट्रिशनल कोई ना कोई प्रोडक्ट सब लोग लेते ही हैं, तो इसके न्यूट्रिशनल जैसे विटामिन सी के हो गया, आर्टिक सी हो गया, ओमेगा थ्री, तो ये सब प्रोडक्ट आप फॉरएवर का लो। और इसके अलावा एमपीडी हो गया जो घर में वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट है वो सब हमारे घर में यूज होते हैं। ब्राइट टूथ जेल सबसे अच्छा, मैं जब से फॉरएवर में हूँ कोई और टूथ जेल यूज ही नहीं किया। तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ कि अपने घर में फुल्ली मतलब यहाँ पे भी, हाँ राइट, तो यहाँ पे भी और मेरे फैमिली में भी, मेरे आधी फैमिली गुजरात में रहती है, कुछ लोग गांव में रहते हैं, तो हर जगह पे मैं यूज कराता हूँ और उनको भी काफी पसंद आता है। तो ये फर्स्ट चीज करना है। दूसरी चीज है ना, मेरे काफी सारे कस्टमर है, मतलब कस्टमर हमारे जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर यूज वाले हैं, तो क्या होता है कि हमें ऐसा नहीं है कि हर बार नया कस्टमर ढूंढना है, जो पुराने कस्टमर भी है उनको भी मतलब रिटेन करके रखना है, तो उनसे मतलब जो हमें ट्रेनिंग मिलती है उसमें हमें पता है कि कैसे उसको रिटेन करना है, कैसे उसको कस्टमर से क्लाइंट बनाना है। डीएलएफ में हमें जो चीजें सिखाई जाती है बेसिक पॉइंट की, कैसे उनसे बिहेवियर रखना है, कैसे इनडायरेक्टली फॉलोअप करना है, वो चीजों को ध्यान रखेंगे तो जो पुराने कस्टमर हैं, मेरे काफी सारे मतलब रेगुलर कस्टमर है तो मुझे ऑर्डर्स देते हैं महीने डेढ़ महीने में वो लेते ही हैं, कोई तीन एलोवेरा प्लस तीन आर्टिक सी अभी रिसेंटली ऑर्डर आया था, तो वो पिछले 3 साल से ले रहे हैं मेरे से रेगुलर। ऐसे ही काफी सारे कस्टमर है, तो ये है। उसके अलावा है कि हम मतलब न्यू ज्वाइनिंग कराते हैं, तो 2-3 न्यू ज्वाइनिंग तो एटलीस्ट होने ही चाहिए न्यू मतलब हर मंथ में। उससे क्या होता है कि अब कोई जैसे 5000 वाला न्यू आया है तो स्टूडेंट लोग बहुत इजीली कर लेते हैं, तो इस तरह के आप 2-3 बिलिंग कराओ नए लोगों से, तो इस तरह से मतलब ये चीज को रेगुलर कंसिस्टेंट करोगे तो आपको 4CC में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। मैं इसी तरह से करता हूँ और मेरा मतलब आराम से 4CC हिट हो जाता है। अच्छा। और इसी तरह से मैं करता हूँ। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि फॉरएवर में काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको ये लगता है कि यार MLM है, MLM है, तो फ्यूचर स्कोप आपको क्या लगता है फॉरएवर का, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का, किसी भी कंपनी का अगर हम बात करें, या फिर फॉरएवर के स्पेसिफिक अगर हम बात करें, तो स्कोप क्या है, आप क्या, आपको क्या स्कोप लगता है कि कितना ग्रो करेगा आगे चल के? देखिए, फॉरएवर बेसिकली जैसे ये हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, तो हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री इस टाइम पे $1 बिलियन इंडस्ट्री है और फ्यूचर में ये $1 ट्रिलियन होने वाला है। क्योंकि आप ये बेसिक सा क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हो, क्या फ्यूचर में बीमारियां कम हो जाएगी? नहीं, कोई नहीं सकता, क्योंकि हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा डिमांड है ही, और कोविड ने ये चीज बता भी दिया। और दूसरी चीज है कि जॉब और ये बाकी चीजों का आप देख सकते हो इंडिया में किस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है, हर जगह मतलब स्टूडेंट लोग रोड पे आ जाते हैं कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम इसके पीछे क्या है पता है, सरकार के पास उतना जॉब है ही नहीं। वो अभी अग्निपथ वाला स्कीम आया, सोचिए क्यों आया, क्योंकि लोग ज्यादा हैं और जॉब कम है, तो अगर 4-4 साल देंगे तो शायद ज्यादा लोग को मतलब जॉब दे पाएंगे। हाँ, मेरे को तो ऐसे ही लगता है, मेरे करेक्ट बिल्कुल सही करो आप, ये पॉइंट यही है, कहने का मतलब जॉब है ही नहीं मतलब, और सब चीज ऑटोमाइज होते जा रहा है। मतलब जैसे मैं खुद IT में हूँ, अभी रेलवे में है ना, आप पता मतलब आपको पता है कि नहीं, बहुत सारे जो जॉब थे वो अब वो उस डेजिग्नेशन के लिए अब जॉब वो आते ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमाइज हो गया है, जिस जगह पे कोई बंदा बैठ के करता था वो चीज डिजिटल हो गया है। तो ऐसे ही हर चीजों में हो रहा है। तो आप समझ जाओ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करोगे
तो आपको बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन, अगर आपके पास ऑप्शन है बहुत अच्छा आप जॉब कर पा रहे हो तो आप करो, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना तो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें है और आप कर सकते हो ऑनलाइन। क्या जा रहा है यहाँ पे, मतलब एक बोलते हैं ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे कम पैसे वाला बिजनेस यही है, इससे कम पैसे से कोई बिजनेस होता ही नहीं है, मतलब एकदम बेसिक सा है वो भी। आप अगर मतलब सही तरीके से कर रहे हो तो कुछ भी नहीं लग रहा, प्रोडक्ट मिल रहा है उसको रिटेल कर दो तो आपके पैसे वापस आ गए, फ्री में इतना अच्छा बिजनेस मिल रहा है। तो मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट्स लोग के लिए कि मतलब ये चीज आपको करना चाहिए, इससे बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो जाता है आप में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, इससे नेटवर्क मार्केटिंग आ जाता है और पर्सनल मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और डिजिटल चीजें, मतलब सब कुछ समझ आ जाता है। यूट्यूब, काफी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं आपके पास इनकम के। हमारे टीम में आपको पता है कई लोग यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग से कर रहे हैं, फॉरएवर से कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ये मतलब ज्वाइन करना ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप घर पे बैठ गए ना। मेरे पास अभी मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे रेज्यूमे भेज देते हैं फ्रेंड एंड फैमिली रिलेटिव्स, 8 साल से मतलब तैयारी कर रहा था गवर्नमेंट की, अब जॉब चाहिए। इस तरह से अपना मतलब अगर आपको लगता है 100% कॉन्फिडेंट हो तो आप करो, लेकिन अगर मतलब वैसे ही कर रहे हो बस तुक्के में तो फिर मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मतलब इस चीज में टाइम दोगे ना तो उतने टाइम में आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आराम से बैठे बैठे पैसे आएंगे आपको। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है। एंड एक और चीज भी है कि यहाँ पर बेस्ट ये चीज है कि आपको अगर और कंपनीज में देखें या फिर और टीम की बात करें तो वहाँ पे ट्रेडिशनली वर्क करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं बट इन अ ट्रेडिशनल वे, लोगों के घर घर जाके। बट टीएलएफ की सबसे बेस्ट चीज क्या है कि यहाँ पे हमको कहीं जाना ही नहीं होता, घर बैठ के ऑनलाइन काम करना होता। दूसरी चीज, अगर आप जॉब भी करते हो तो धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी बट आप थोड़े टाइम बाद आपका सारा सिस्टम इतना, अब तो खैर बहुत ज्यादा ऑटोमेट कर दिया है बट आपको धीरे धीरे आप स्टार्ट करोगे तो 1 महीने 2 महीने स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, उसके आपका सारा ऑटोमेट सिस्टम सेटअप हो जाएगा जिस वजह से आपको आपको उतना फादर टाइम सेटअप करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। और बेस्ट चीज एक और चीज है कि यार अभी आपको आपको मैं भी बताऊँ, आपको आपने जैसे बताया मुझे एग्जाम्पल बैंक का, रेलवे का बताया, मैं आपको बता दूँ उसका, अभी टोल प्लाजा का आपको बताओ, पहले टोल प्लाजा में बहुत सारे लोग होते थे, वो भी एक सरकारी नौकरी है, वहाँ पे टोल प्लाजा पहले बहुत था, फास्टैग आने से कितने लोगों के, मैं देखता हूँ कि पहले जहाँ पे 10-15 लोग खड़े रहते थे वहां पे अब सिर्फ 5 लोग दिखते हैं बस। तो सोचो वहाँ पे कितनी सारी जॉब चली गई। तो आगे चल के आपका AI का जमाना आने वाला है जिसके से बहुत ज्यादा जॉब्स की प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो देखो बात करने का बहुत सारा है, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम आपका मैंने कंज्यूम कर लिया है, अगर हम बात करने लगे तो पूरा दिन लग जाएगा मुझे पता है। तो मैं एक एंड नोट पे आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इतने सारे आपने एक्सपीरियंस शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा, आप आए बहुत अच्छा लगा मुझे, आप एक लास्ट चीज मेरी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे जिससे उनको कुछ सीखने को मिले, लास्ट पॉइंट। मैं मतलब आपके ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगा, देखिए टीएलएफ ग्रुप ऐसा ग्रुप है ना, यहाँ पे हम लीडर बनाते हैं, यहाँ पे मतलब इसका टैगलाइन ये क्रिएटिंग फॉलोअर्स टू लीडर्स। तो मतलब काफी सारे ऐसे टीम है और ग्रुप है वहाँ पे, है ना, एक मतलब पर्टिकुलर चीज बना हुआ है कि आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है आप उसको फॉलो करो, लेकिन है ना हम लीडर्स बनाते, बोलते अपने स्टाइल से करो। अब हर्षित अपने स्टाइल से कर रहे हैं, हमारे टीम में शुभम है वो अपने स्टाइल से कर रहा है, मैं अपने स्टाइल से कर रहा हूँ, जो बेसिक चीजें है वो बताते हैं, लेकिन आपको अपने स्टाइल से करने का मौका मिलता है अपनी तरह से। ऐसा नहीं कि बस कोई एक चीज है बस उसी को फॉलो करना है, बहुत सारे ऐसे मतलब टीम में ऐसे होता है कि आपको यही चीज करना है, कुछ पोस्टर बना के दे देंगे ये जाके सबको शेयर करो, तो वो चीजें हम नहीं करते हैं, हम बिल्कुल प्रोफेशनली काम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब आप चाहे दूसरे लाइन से भी हो लेकिन हम ऐसे फैमिली रहते हैं और ऐसे फैमिली एंजॉय करते हैं काम को और काम भी करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो करते हैं। तो यही बोलना चाहूंगा, आप टेलर ग्रुप के साथ हर्षित के साथ जुड़ के काम करो, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत ज्यादा मतलब आपको सीखने के लिए और अर्निंग के लिए स्कोप है यहाँ पे। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और अपना टाइम देके आप इतनी देर बैठे मेरे साथ, उतनी अच्छी अच्छी बातें की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अपना टाइम देने के लिए। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं एंड गाइस आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे
आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आपको अश्विनी सर का भी नंबर चाहिए तो वो भी आप बोलोगे तो आपकी डिमांड पे उनका नंबर भी दे दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप उनसे जाके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट लीडर है। अगर आप बात करें 4CC के तो ये एक्सपर्ट है, अपने TLF में 4CC एक्सपर्ट है ये, क्योंकि इनका 4CC जब मंथ स्टार्ट होता है इनका 4CC तभी खत्म हो जाता है, एंड ये चीज सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगती है अपनी टीम को। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड गाइस आज के वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।